हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। लास्ट सेक्शन में पढ़े थे हमने ये चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और आज हम लास्ट वाली चार पढ़ेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या कहा हुआ है, कहता है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। दूसरे का क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाएगा। जैसे प्रूव करते हैं, क्या दिया हमें, लेट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बी डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा। हम किसे नोट कर रहे हैं, हम अल्फा एंड बीटा ले रहे हैं। तो देयरफॉर अल्फा क्या है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, एंड बीटा क्या ले रहे हैं, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ठीक है, हम चेक करते हैं। हमें बोला है कि ये रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का, अगर जे इसका रेसिप्रोकल जे इसका रेसिप्रोकल है। क्लियर, चेक करते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, अरे इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ये क्या आएगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। क्लियर करिए, मतलब क्या होता है, ये आएगा टू टू या फोर। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने पिछली जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, जे ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी बुलाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिमीन्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, मिल जाएगा वन माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर अपॉन फोर। रिमीन्स से क्या बन गया, वन प्लस थ्री अपॉन फोर मीन्स फोर अपॉन फोर इक्वल टू वन, ये आ गया अल्फा बीटा। क्लियर, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या है, अगर अल्फा बीटा टू वन है तो यहाँ पे देयरफॉर अल्फा किसके इक्वल आएगा, वन बाय बीटा, जहाँ हमारे पास बीटा किसके इक्वल आएगा, वन बाय अल्फा। क्लियर, जे हमारे पास आएगा तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट इज ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, ये हमारे पास है। क्लियर, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज कंजुगेट ऑफ द अदर, मतलब जो है कि कंजुगेट है दूसरे का। किस तरह से करेंगे हम, लेट करते हैं हम, मैं ले रहा हूं ओमेगा को वन माइनस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू अपॉन टू। क्लियर, तो मैं ले रहा हूं यहां पे देयरफॉर ओमेगा बार, ओमेगा बार क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। तो जे किसके इक्वल आ गया, विच इंप्लाइज जी ओमेगा लिया और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर देता हूँ, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, ओमेगा बार, ओमेगा बार का क्या लिया, ओमेगा बार में क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन्स थोड़ा सा मैं इसे चेंज करता हूँ, ओमेगा है वन प्लस रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू की बार, जो बार को उठाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जे जे किसके इक्वल बन गया, ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया उसके इक्वल। नाउ इधर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर का बार, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू का बार, तो ये क्या आएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम जब भी किसी भी कोई भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नंबर लेते हैं तो उसका कंजुगेट करेंगे तो दूसरे का के बराबर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है हमें, कहता है प्रूव दैट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, इसके रूट्स हैं, ये चेक करते हैं कि इसके रूट्स हैं कि नहीं है। तो हमने पहले स्टार्टिंग में प्रूफ में किया हुआ है कि इसके रूट्स हैं, बट हम यहाँ पे आपको करके दे देते हैं। क्या दिया हमें,
47th. ओके, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, ए क्या है वन, बी क्या है वन, सी क्या है वन, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा फिर फोर एक्स किसके अगला आएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जे क्वाड्रेटिक, फोर ए सी अपॉन टू ए, जे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स इज टू माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, इट मीन्स एक्स क्या आएगा माइनस वन प्लस आएगा वन माइनस फोर अपॉन टू, एक्स कितना आएगा माइनस वन प्लस जी क्या आएगा वन माइनस फोर, इट मीन्स रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन टू। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स जो है माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा फोर एक्स की वैल्यू आई माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, इट मीन्स जे ओमेगा है और जे क्या है ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दिया, कहता है ये माइनस वन और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये रूट्स है किसके, इस इक्वेशन के, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या है, इट मीन्स हम एट्थ को क्या प्रूव करेंगे, सेम ऐसे लेंगे यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, हियर ए दिस, बी क्या है यहाँ पे माइनस वन और सी जे, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा माइनस वन माइनस वन, तो जे प्लस बन गया हमारे पास सेम, क्लियर, सिर्फ जे हमारे पास आ गया यहाँ पे, कितना बन गया जे प्लस आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लेना है हम, हमें चाहिए क्या, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कहता है रूट्स हैं इस इक्वेशन के नहीं, तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, क्या ले रहा हूं मैं, ले रहा हूं माइनस ऑफ माइनस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन माइनस टू, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इट मीन्स क्या है, इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन माइनस टू, इट मीन्स एस क्या है, माइनस को मैंने कॉमन रखा और ये वाला माइनस रखा हुआ है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ मैं, एक्स इज क्या ले रहा हूँ माइनस जे वाला आएगा वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन माइनस टू, जे कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ये जो माइनस यहाँ पे है तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, एक्स इज टू माइनस कॉमन रखा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, इट मीन्स एस क्या आ गया माइनस ओमेगा। देखिए एक एक्स में क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, एक एक्स में क्या आ रहा है ओमेगा, इसका मतलब क्या हो गया, दस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए, क्लियर। इस तरह से हम जे हमारे पास प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, क्लियर। कुछ अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। ओके, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्लियर, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।